क्योंकि बिना डंडे का उम्र का ये पूरा नहीं कर रही है। ये हमारे पीछे हमारा चरी का खेत है। तो फ्रेंड खाना खा लेते हैं, काम वगैरह तो आधा अधूरा हो गया है। यहाँ पे हमने चावल निकाल कर रखा हुआ है, बर्तन मैंने खाली करके भिगो दिया है, अभी धुलना है। और ये रही सब्जी, चावल सब्जी खाने जा रही हूँ, एक रोटी ले लेती हूँ। सुबह का अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है, बस चाय पी थी। गिर गई, बच गई, बच गई। डेढ़ रोटी मैं ले लेती हूँ, तो फ्रेंड खाकर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आए हैं खेत में, यहाँ धान देख रहे थे, पानी जा रहा था और ब्लॉक भी स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग का समय है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी को दवा वगैरह दे दी हूँ, बैठे हैं। मैं आई हूँ, पानी खेत में पानी जा रहा था वही देखने आई थी, तो ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल। ये यहाँ पाइप से पानी जा रहा है, घर में से आ रहा है अंदर से, और ये खेत जुतवाना है साफ करके। तो फ्रेंड यहाँ पे हम धान में घास हो गया है, हमारा खेत है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि गांव का दृश्य ही मनोरम होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। चारों तरफ हरा हरा देखते हैं, आँखों को सुकून मिलता है। तो शाम का टाइम है, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जो मैंने इसको ऐड किया है इसमें। तो मैं यहाँ पे कहीं कहीं घास हो गई थी धान में, तो पानी देखने आई थी तो लगे हाथ घास भी निकाल दी। जो लोग नए हैं उनके लिए नई चीज़ें हैं, जो जानते हैं वो गांव के हैं वो तो जानते ही हैं ये सब बारे में। तो यहाँ पे हमने घास बहुत सारा निकाल लिया है, तो उसको लेकर घर चलती हूँ, गैया को डालेंगे। तो यहाँ पे गैया हमारी चारा खा रही है, पहले से हमने थोड़ा घर में भी बहुत सारी घास हो गई थी तो निकाली थी, तो उसको डाली थी मैं, तो उधर वो खा रही है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, मैं यहाँ इनको चला रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ, चला क्या रही हूँ, चला तो भगवान रहे हैं, जब चलाएंगे मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में बस कर्म है जो मैं कर रही हूँ। और एक कर्म कब तक पूरा मतलब सक्सेस होता है ये हमें भी नहीं पता। यहाँ पे मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, वो शायद दूसरे वाले में चला गया था कैटेगरी में। एक क्लिप अच्छी नहीं आई है, लेकिन मैंने डाला है इसको क्योंकि थोड़ा धूप आ रही थी और कैमरे का प्रकाश उसी पे जा रहा था, तो इसलिए उसको इग्नोर करिएगा। और ये हमारी गैया चारा खा रही है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, आज कृषि का घर है, गई नहीं है। तो मैं यहाँ उनको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा और देखिएगा कितनी 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, अभी अपने पैर पे बिल्कुल चलती नहीं है, आगे बढ़ता ही नहीं है अपने से, देखिए कब तक होता है। हमारा प्रयास जारी है, आप प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। हम मोटिवेट होंगे तो आप लोगों को भी वीडियो रोज की रोज मिलेगा, लेकिन नहीं हो पाता है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए हम ना ऐसे जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम ना पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए आए हम ना आए, ऐसी जीत हम न पाए।
सी जी ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए ऐसी ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है छुप छुपाए ऐसी जीत हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए हम ना आए 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 हम ना आए ऐसी जीत छुप छुपाए ऐसी जीत हम न पाए ना ना छुट्टी मना रही है घर पे कृषिका जिसका दो नाम है अकेले अकेले बोर हो रही थी तो इधर उधर खेल रही है और झूला झूल रही है उसी पे मना कर रहे हैं उसके पापा और थोड़ा मैंने स्पीड को बढ़ाया हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ी से झूल रही है क्योंकि बहुत स्लो स्लो पैरों को चलाना पड़ता है और घंटे भर लग जाते हैं ज़्यादा ही लग जाता है उनके चलने के ऊपर है कितनी देर तक चलेंगे मैंने आज थोड़े ज़्यादा ही क्लिप डाला है कि आप लोग देखें और समझें इन चीज़ों को किसी के साथ अगर कोई पर इस तरह की परेशानी हो रही है तो पहले से सतर्क हो जाए क्योंकि हम झेल रहे हैं इस चीज़ को दो सालों से ऐसा हो किसी के साथ ना हो यही दुआ करेंगे उनको खड़ा करा कर गए थे कहीं लेकिन पैर मुड़ गया देखिए इसी तरह टंगे हैं जब तक मैं आऊँगी तब तक उसी तरह रहेंगे क्योंकि अपने से सीधे नहीं होते घुटने से दबाना पड़ता है तब जाकर वो पूरा बैलेंस लेता है पैर बैलेंस नहीं ले रहा है तो इसलिए कमर भी लोड उतना नहीं ले रही है ले रही है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा घुटने पे हल्का दबाना भी पड़ता है नहीं तो घुटना मुड़ जाता है पैरों में बांधने वाला है वो भी थोड़ा वर्क करता है लेकिन उतना नहीं करता तो मैं ऐसे ही चला रहे थे
और काफी पसीना से भीग चुके हैं, हवा भी नहीं चल रही थी। पाइप दोनों साइड बांधी हुई है और कैमरे में सिंगल दिख रही है, तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि सिंगल पाइप पे चल रहे हैं। दोनों साइड से उनके जितना उनका साइज है उतना वो बांधा गया है पाइप। हम लोग पहले भी देख चुके हैं और मैं हमेशा डालती रहती हूँ वीडियो में, ब्लॉग में जो हमारी दिनचर्या होती है वही ब्लॉग, मतलब वही है ब्लॉग में जो आप रियल में जो करते हैं वही दिखाना है। तो जो हमें लगता है जो चीज़ें दिखानी चाहिए, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही चीज़ें हम दिखाना जरूरी समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं नहीं, वो हर चीज़ कैमरे में नहीं दिखा लो पाती, और जो करना तो नहीं है उसका तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी जर्नी आई है और चल रही है, देखिए कितना चल रही है। और मुझे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला, साल हो गया किस्मत की बात है, लग एक वायरल होने वाले तो ऐसे भी वायरल हो जाते हैं। मेहनत करने वालों को भी हारना नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं करना है वहाँ नहीं सही करते रहो, सफलता मिल जाएगी, मिलेगी ही। लगे हैं जो भगवान की मर्जी, बाकी तो लक भी साथ होना चाहिए जो इस टाइम पे हमारे साथ नहीं है। इनको खड़ा कर दी हूँ, जब तक ये खड़ा रहेंगे तब तक मैं उधर घास लगी हुई थी दीवार पे चढ़ रही थी और मैंने कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं तो उसको नुकसान पहुँचाएंगी, तो मैंने सोचा निकाल देती हूँ तब तक, हाँ जब तक ये खड़ा रहते हैं। इनको जब दिक्कत होने लगती है तो बैठाना पड़ता है, तो आसपास ही रहना पड़ता है, या तो बैठे रहो या तो कुछ ना कुछ करते रहो, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं या तो वेट करते हैं जब तक खड़े रहते हैं, क्योंकि पैर भी मुड़ जाता है। तब इनको बैठाना है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। पैर मुड़ गया है और पीछे कुछ काट भी रहा था, चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं तो वही मैं देख रही थी, और सीधा करके पैर मैं अब इनको बैठाऊंगी साइकिल पे, व्हील चेयर पे। थोड़ा आगे कर ली हूँ क्योंकि पीछे स्पेस मिल जाए बैठाने के लिए। सुबह के 9 बज चुके हैं, 1 घंटे करीब हो गया है इनको खड़ा कराए, मतलब चलाई हूँ फिर उसमें खड़ा कराई हूँ। और थोड़ा बार बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है ना, दोनों कंधों में पीछे दर्द भी रहता है तो परेशान रहते हैं, इच्छा नहीं करती ज़्यादा देर खड़ा रहने की भी।
ये साइकिल भी 2 सालों में अब ख़राब हो चली है, पीछे वो लेदर है ढीला हो गया है। और एक गाय बहुत परेशान थी, मक्खियाँ परेशान कर रही थी, तो मैं इसको अंदर बांधने चली गई, बोले कि बांध दो पहले, वो उछल कूद कर रही है ज़्यादा। पैर दोनों साइड थोड़ा घुटने से सटे रहते हैं तो उसको सही कर रहे थे, काफ़ी थोड़ा इधर उधर रहता है तो कमर में दर्द होने लगता है पैरों में, तो पीछे करके मैं ले आती हूँ। ऐसे आसानी होती है क्योंकि गीली कच्ची ज़मीन है तो पहिया जो है फंसने लगता है, और पीछे से ले आते हैं तो नहीं फंसता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्रिश का होमवर्क कर रही है, अब बहुत मेहनत से बैठती है, पहले तो बैठ जाती थी लेकिन अब शैतानियाँ कर रही है। जोड़ो तो फ्रेंड रात का खाना बन रहा है, यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ मैं, और आलू रखी हूँ बॉयल होने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, और न्यू है तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।